हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। में तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखे थे और फिर उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला था उसको देखा था। हमने देखा था कि मेंडल ने लंबे और पौने पौधे के बीच में संकरण कराया था, तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें लंबे पौधे मिले थे और द्वितीय पीढ़ी में लंबे और पौने पौधे फेज टू वन के रेशियो में मिले थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे मेंडल ने तीन निष्कर्ष निकाले थे। पहला कि हर लक्षण के लिए क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं और ये जीन जो होते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं और ये जोड़े के दोनों जीन क्या हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ये उनका था पहला निष्कर्ष। दूसरे निष्कर्ष तक क्या था, अगर दोनों जीन असमान है तो उसमें से केवल एक ही अपने प्रभाव को प्रकट करेगा, दूसरा अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करेगा। इस निष्कर्ष को बाद में कार्ल पोलेंस नामक वैज्ञानिक ने मेंडल का पहला नियम बना दिया था। फिर जो द्वितीय पीढ़ी में उन्हें 3:1 के रेशियो में पौधे मिले, उससे मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो प्रथम पीढ़ी के पौधे थे उसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन क्या थे, लंबे समय के लिए साथ साथ थे, लेकिन जब इसमें युग्मक बनना हुआ तब ये दोनों जीन क्या हुए, अलग हो गए और अलग अलग युग्मक में चले गए, जिसकी वजह से जो अप्रभावी जीन था वो क्या हुआ, दूसरे अप्रभावी जीन से मिला और अपने प्रभाव को प्रकट कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या पृथक्करण का नियम भी कर सकते हैं, यानी अपोजिट जीन चाहे जितने समय के लिए भी साथ रहे लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, और जब अप्रभावी जीन अपने जैसे जीन के साथ मिलता है तो अपना प्रभाव प्रकट कर देता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन और मेंडल्स लॉ देखेंगे, यानी जो मेंडल ने अपने निष्कर्ष दिए जब बाद के वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे तो उनका निष्कर्ष क्या था, मेंडल से भिन्न था, तो उसी को कहा जाता है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ। आज हम वो प्रयोग देखेंगे जहां पर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं होता। तो ये सभी प्रयोग मेंडल के नियम के बाद हुए हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल ने प्रयोग किया, मेंडल के बाद जो प्रयोग हुए उसको किसमें हम कर देते हैं, न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाविता क्या होता है, जब एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी हो। ये कैसे होता है, एक जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और दूसरा जीन प्रोटीन नहीं बनाता, ये खराब प्रोटीन बनाता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों जीन क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और अधूरा करते हैं, जिसकी वजह से ना दोनों में से कोई भी प्रभावित नहीं हो पाता और दोनों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है, या दोनों के बीच की स्थिति नए बच्चों में दिखाई देती है या नए संतति में दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल, इसकी खोज भी किसने की थी, कार्ल पोलेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस पौधे पर की थी, उस पौधे को नाम याद रखना है, मिराबिली जलापा। मिराबिली जलापा जीनस का नाम है और जलापा क्या है, स्पीशीज का नाम है। इसका नॉर्मल नाम क्या है, फोर ओ क्लॉक प्लांट, क्योंकि सुबह को खिलता है इसलिए फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, गुलाबास। अब इसमें क्या था, दो तरीके के पौधे खिलते थे, सॉरी दो तरह के पुष्प खिलते थे, एक तो होता था रेड फ्लावर, तो रेड के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर लिखेंगे। अब इनके बीच में अगर संकरण कराएं तो मेंडल के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में या तो सभी फ्लावर रेड बनने चाहिए या तो सभी फ्लावर क्या बनने चाहिए, व्हाइट बनने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जीन तो दोनों का गया, कैपिटल आर भी गया और स्मॉल आर भी गया, लेकिन पौधे कैसे बने, रेड और व्हाइट ना होकर के पौधे कैसे बने, पिंक। यानी इस तरीके से जब दोनों जीन में से कोई भी अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी पर प्रकट न कर पाए तो उसी को कहा जाता है अपूर्ण प्रभावी, यानी यहाँ ये जीन जो है इस जीन पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। अगर पूरी तरीके से व्हाइट पे प्रभावी ना होता तो पुष्प का रंग कैसा हो जाता, लाल हो जाता। पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हुआ तो कैसा होगा, फ्लावर का कलर पिंक हो गया। यानी इसने जितनी प्रोटीन बनानी थी रेड कलर के लिए उससे कम प्रोटीन बनाई, और इसने जितनी प्रोटीन बनानी चाहिए थी व्हाइट कलर के लिए उससे भी उसने भी कम बनाया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लावर का कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। ये हुआ कहानी F1 पीढ़ी की। अब अगर इसमें हम क्या होने दें, स्वपरागण होने दें। स्वपरागण के लिए क्या होगा, एक हम यहाँ पर और लिखते हैं, आप जैसे कि जानते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्वपरागण हो चाहे पर परागण हो, दो गैमेट की जरूरत पड़ेगी, मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट भी,
यानी अगर चाहे तो अलग अलग प्लांट हो जाए या तो एक ही प्लांट के दो भाग हो जाए, इसको हम मान लेते हैं स्त्री केसर और उसको मान लेते हैं पुंक केसर। और पुंक केसर में दो प्रकार के नर युग्मक बनेंगे और स्त्री केसर में दो प्रकार के क्या बनेंगे, अंड कोशिका बनेगी। तो दो प्रकार के नर युग्मक या दो प्रकार के अंड कोशिका, एक नर युग्मक में क्या होगा कैपिटल आर होगा, दूसरे नर युग्मक में क्या होगा स्मॉल आर होगा। ऐसे ही दो प्रकार के अंडाणु बनेंगे, एक में कैपिटल आर होगा और एक अंडाणु में क्या होगा स्मॉल आर होगा। फिर इनका हम आपस में क्या कराएंगे संकरण कराएंगे, तो हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इसका जब इससे कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका कराएंगे तो वही मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और इन दोनों का संकरण कराएंगे तो मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। जिनमें पूछा जाए मेंडल के अनुसार जब मेंडल ने प्रयोग किया था तो F2PD में जीनोटाइप और फेनोटाइप कितना था, फेनोटाइप तो 3:1 था और जीनोटाइप कितना था 1:2:1 था। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर मेंडल के नियम से विचलन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं ये कैसा होगा व्हाइट होगा, ये कैसा होगा रेड होगा, लेकिन ये क्या हो जाएंगे पिंक हो जाएंगे। तो अब यहाँ 3:1 का रेशियो नहीं आएगा। अब कौन सा रेशियो आएगा, अब 1 यानी एक आपके रेड हो गए, 2 आपका पिंक हो गया और 1 आपका क्या हो गया व्हाइट हो गया। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो भी कितना आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। यानी एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, एक हेटरोजाइगस डोमिनेंट होगा और दो क्या होंगे सॉरी एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा और दो क्या होंगे हेटरोजाइगस होंगे। ये इनका क्या हो जाएगा जीनोटाइप रेशियो। तो F2PD में क्या होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम हो जाते हैं 1:2:1 हो जाते हैं। अब हम कौन सा देखते हैं कोडोमिनेंस, इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता और इसको कहते हैं सप्रभाविता। सप्रभाविता अपने आसपास भी देखते हैं कि बालों के कलर में, चाहे वो कुत्ते का बाल हो चाहे बिल्ली का चाहे गाय का चाहे बकरी का, कैसा होते हैं चितकबरे होते हैं। यानी कहीं कहीं पर व्हाइट कलर होता है उसके ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं, या गाय में देखते हैं कि ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं रेड कलर के पैचेस होते हैं। तो इसे कहते हैं रोड कोटेड कहते हैं चितकबरे होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग मवेशियों में सबसे पहले करके देखा गया था, उनमें बालों का कलर दो तरीके के होते थे ब्लैक और ब्राउन। ठीक, अब ब्लैक कलर के हम लिए मान लेते हैं कैपिटल बी और ब्राउन के लिए मान लेते हैं स्मॉल बी। तो जब इनका संकरण कराएंगे तो क्या आएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी आएगा। मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, बाल का रंग केवल एक ही होना चाहिए था, ये तो ब्लैक है तो ब्राउन है। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई कि बालों का कलर दोनों ही दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर बाल क्या है ब्लैक है और कहीं कहीं पर बाल क्या दिखाई दिए ब्राउन दिखाई दिए। तो इसी को कहा जाता है सहप्रभाविता, यानी जब प्रथम पीढ़ी में दोनों ही जीन अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर दे तब उसे कहा जाता है सहप्रभाविता। और यहाँ पर भी हम क्या कराएंगे, अगर इसके बाद इसकी द्वितीय पीढ़ी देखना चाहेंगे तो हमें वही चीज दिखाई देगी कैपिटल बी हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा और स्मॉल बी हो जाएगा। यानी इस तरीके से यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा ब्लैक बन जाएगा, ये ब्राउन बन जाएगा और ये कैसे बन जाएंगे चितकबरे बन जाएंगे। चितकबरे की इंग्लिश क्या होगी रोड कोटेड। इस तरीके से द्वितीय पीढ़ी में रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। अब आइए तीसरे देखते हैं, तीसरा क्या है पीलियोट्रॉपिक इफेक्ट। पीलियोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है ये भी देखते हैं। पहले क्या कहा था कि हर लक्षण के लिए क्या होता है जीन होता है, और दूसरे शब्दों में क्या है कि एक जीन क्या होता है एक लक्षण का निर्धारण करता है। लेकिन प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जब एक जीन के द्वारा कई लक्षणों का निर्धारण हो, जब एक जीन के द्वारा कई लक्षणों का निर्धारण हो तब ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और ऐसे प्रभाव को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक प्रभाव। यानी बहु प्रभावी जीन, यानी उस जीन का कई प्रभाव है। जैसे इसमें भी L.Q.0 नामक वैज्ञानिक ने घरेलू चूहे पर किया था, उन घरेलू चूहे में बालों का कलर क्या था दो था,
एक येलो कलर था और दूसरा ब्राउन कलर, येलो और ब्राउन कलर की चूड़ी होती थी। तो उन्होंने क्या किया, येलो कलर का चूल्हा लिया और ब्राउन कलर का चूल्हा लिया, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर क्या होना चाहिए था, एक ही प्रकार का चूल्हा मिलना चाहिए था, या येलो मिलना चाहिए था, या तो ब्राउन मिलना चाहिए था। लेकिन उन्हें दोनों प्रकार के चूल्हे मिले, 1:1 की रेशियो में। तब उन्हें लगा कि क्या पता कि जब हम जिस येलो का करा रहे हैं, हो सकता है वो येलो क्या हो, शुद्ध ना हो। शुद्ध करने का मतलब है कि उसमें दोनों जीन क्या हो, डोमिनेंट ना हो। फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि दोनों येलो का कराते देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों येलो का कराया, येलो और येलो के बीच जब क्रॉस कराया, ये सोच करके कि ये क्या है, विषम युगमजी है। विषम युगमजी करने का मतलब कि हो सकता है इसमें क्या हो, एक कैपिटल वाई हो और दूसरा स्मॉल वाई हो, इसमें भी क्या हो, एक कैपिटल वाई हो और दूसरा स्मॉल वाई हो। इसीलिए हमें क्या होते थे, हम शुद्ध रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमें जो एक ही मिलना चाहिए, येलो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो लेकिन उन्होंने येलो और येलो के बीच में जितनी बार की संकरण कराया, उन्हें क्या हुए, 2:1 के रेशियो में चूहे मिले। यानी 2 जो थे वो पीले थे और 1 क्या थे, ब्राउन थे। जबकि मेंडल के अनुसार, जब भी हम अगर आते हैं 2 हेटेरोजाइगस के बीच में संकरण कराते हैं, तो हमें कौन सा रेशियो मिलता है, 3:1 में मिलता है। जैसे मेंडल में हमने देखा था मटर के पौधे में 3 लंबे पौधे मिले थे, 1 बौना पौधा मिला था। तो ऐसे यहाँ पर भी होने चाहिए था, 3 चूहे क्या होने चाहिए थे, पीले बनने चाहिए थे और 1 ब्राउन बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि 2 ही पीला बन रहा है और 1 क्या बन रहा है, ब्राउन बन रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने जो मादा चूहे थे उनका विच्छेदन करके देखा कि जिन चूहों में दोनों ही संयुग्मजी जीन पाए जाते हैं, यानी दोनों ही कैपिटल वाई पाए जाते हैं, वो चूहे क्या होते हैं, भ्रूण में ही मर जाते हैं, लास्ट स्टेज में। तो इसी वजह से कैपिटल वाई क्या रहते हैं, जिंदा नहीं रहते, कैपिटल वाई वाले। यानी कहने का मतलब है जो भी येलो कलर के चूहे होते हैं, घरेलू चूहे, उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई एलील ही होते हैं, कभी भी दोनों एलील डोमिनेट नहीं होते। क्योंकि अगर दोनों कैपिटल वाई हो जाएंगे तो चूहा लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब दोनों डोमिनेंट होते हैं तो इस वजह से क्या होगा, हमें यही रेशियो मिलेगा, कैपिटल वाई बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा और स्मॉल वाई बनेगा। बनते तो ये चारों प्रकार के हैं, लेकिन अपने गर्भ मतलब अपने जीवन काल के लास्ट स्टेज में, या कहीं गर्भावस्था के लास्ट स्टेज में क्या हो जाते हैं, ये वाले चूहे मर जाते हैं। जब ये वाले चूहे मर जाएंगे तो जो पैदा होने वाले चूहे रहेंगे, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 ही हो जाएगा। यदि 2 क्या बनेंगे, पीले बनेंगे और 1 क्या बनेंगे, इस तरीके से। और जो ये रिएक्शन कराते थे, जो पहली बार इन्होंने रिएक्शन कराया था येलो और ब्राउन के बीच में, तब इन्हें 1:1 के रेशियो में मिले थे। तो कैसे करे, वो भी देखते हैं कि इनको येलो का जीनोटाइप टाइप क्या था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और ब्राउन का जीनोटाइप क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल वाई है। इसके साथ संकरण कराएंगे तो आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ संकरण कराएंगे आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो आ जाएगा स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ कराएंगे तो आ जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल। तो ये 2 क्या बन जाएंगे, 2 पीले बन जाएंगे और 2 क्या बन जाएंगे, ब्राउन बन जाएंगे। तो इससे क्या रिसर्च निकला कि ये जो कैपिटल वाई जीन है, ये 2 प्रभाव रखता है। अगर स्मॉल वाई के साथ है तब तो ये बालों का रंग कैसा कर रहा है, पीला कर रहा है। लेकिन अगर यही कैपिटल वाई के साथ हो जा रहा है, तब चूहे के क्या कर रहा है, घातक इफेक्ट डाल रहा है, यानी ऐसे किसी टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब एक जीन एक से अधिक प्रभाव को दर्शाता है, तो ऐसे ही जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। इसका दूसरा उदाहरण जो हमें दिखाई देता है, वो सिकल सेल एनीमिया में दिखाई देता है। सिकल सेल एनीमिया का जब जीन खराब हो जाता है, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, तो हीमोग्लोबिन की चेन भी खराब हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की चेन खराब होने की वजह से जो आरबीसी का शेप है वो भी खराब हो जाता है। आरबीसी का शेप इस तरीके से रहता है, वाई कन्वेक्स रहता है दोनों तरीके से, लेकिन बाद में घट कर कैसे हो जाता है, ऐसे सिकल शेप हो जाता है, ऐसे हंसियाकार हो जाता है। तो एनीमिया में भी, या हम कहें सिकल सेल एनीमिया में भी, हमें कौन सा इफेक्ट दिखाई देने को मिलता है, प्लियोट्रोपिक, जिसमें क्या होता है कि एक ही जीन के द्वारा क्या होता है कि
हीमोग्लोबिन का चेन की जो आकृति है वो भी बिगड़ जाती है, और उसकी वजह से जो आरबीसी का शेप है वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ क्लियर हो गया कि प्लियोट्रोपिक जीन क्या है। अब आइए लास्ट का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसे समझते हैं, मल्टीपल एलिजमेंट। ये भी मेंडल के निष्कर्ष का बात है। कैसे? क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था कि हर लक्षण को कंट्रोल करने के लिए दो जीन होते हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे जिस लक्षण को कंट्रोल करने के लिए दो से ज्यादा एलील होते हैं। जैसे हमने पहले ही बता दिया है, खरगोश में कुछ प्रकार के खरगोश होते हैं जिसमें बालों का रंग दो के बजाय तीन एलील के द्वारा प्रभावी होता है। हमारी आंखों का रंग भी खुद ही दो के बजाय तीन एलील के द्वारा डिसाइड होता है। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप की वंशा गति होती है वो भी दो की बजाय तीन एलील डिसाइड करते हैं। यानी हमारे शरीर में अधिकतर लक्षण दो ही एलील डिसाइड करते हैं, दो ही जीन डिसाइड करते हैं कि कैसा हमारा लक्षण होगा। लेकिन ब्लड ग्रुप की जो वंशा गति होती है उसमें दो की बजाय तीन एलील डिसाइड करते हैं। तो मल्टीपल एलील समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पता चलता है कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो हम जानते हैं हमारे में चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, AB, AB और O। ये चार प्रकार के होते हैं। तो इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप का पता कैसे चलता है कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि AB है कि O है? तो कैसे डिसाइड होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीबॉडी के आधार पर एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी के ऊपर। अगर ये आरबीसी है तो इस आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। इसी से डिसाइड होता है व्यक्ति का ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिस मनुष्य के आरबीसी पर एंटीजन ए पाए जाते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, और जिसके पर बी पाए जाते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। इस तरीके से तो सिंपल है। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब इसमें एंटीजन ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है इसका मतलब इसमें एंटीजन क्या है? बी है। अब इसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB है। AB का मतलब इसमें ए एंटीजन भी है और इसमें बी एंटीजन भी है। और चौथा जो होता है ओ का मतलब है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए इसको हमने का नाम दे दिया ओ ब्लड ग्रुप। अब क्या होते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं एंटीजन, और जो प्लाज्मा होती है प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। और कोई भी एंटीजन अपने अगेंस्ट में एंटीबॉडी अपने अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं रखता। यानी कहने का मतलब है जिस मनुष्य के आरबीसी पर ए एंटीजन लगा है उसके प्लाज्मा में कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? एंटीबॉडी बी होगी। और अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप में तो प्लाज्मा में क्या होगा? ए एंटीबॉडी होगी। तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से और एंटीजन को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, क्योंकि अगर ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी भी हो गई तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा। ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी। अब आप बता सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होगा, लेकिन आप क्या होगा? इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। और जिसके में कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ए एंटीबॉडी भी होती है और बी एंटीबॉडी भी होती है। इस तरीके से तो ये चीज समझ लिया कि एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर उभय ग्रुप डिसाइड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप सब जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, सॉरी गलत है, वो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति किसको किसको ब्लड दे सकता है? अपने को दे सकता है, यानी ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को भी दे सकता है और साथ ही साथ AB को दे सकता है। दूसरी तरफ इसका बी है वही कंडीशन, बी को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है। AB किसको दे सकता है? सिर्फ AB को दे सकता है। और O किसको दे सकता है? सबको दे सकता है। A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। लेकिन ये किससे सकता है?
जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किससे ब्लड ले सकेगा? वो ए वाले से ब्लड ले लेगा और ओ से ले सकेगा, बी वाला बी से ले सकेगा और ओ से ले सकेगा, ए बी वाला ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा, और लेकिन ओ किससे लेगा? केवल और केवल ओ से ही लेगा। और इसमें भी अभी हम बताएंगे पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट बताएंगे आरएच फैक्टर के आधार पर। इसी पर एक और फैक्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। ये सबसे पहले खोजा गया था किसमें? रिसर्च मंकी पर, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर नाम दे दिया गया है। तो आरएच फैक्टर भी कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। तो जिसमें पाया जाएगा उसे कहेंगे पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे निगेटिव। तो इस व्यक्ति में पाया जा रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव, इसमें नहीं पाया जा रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए निगेटिव। और ऐसे ही हो जाएगा, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव भी हो जाएगा। तो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो होता है ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव वाला ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है ओ निगेटिव से ले सकता है। तो इसके पीछे का रीजन आइए जानते हैं, कौन किससे ब्लड ले सकता है ये तो पता चल गया, इसके पीछे का रीजन देखते हैं। अब जैसे जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है ए है, वो ए बी से तो ले लेगा लेकिन किससे नहीं ले पाएगा? बी से नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? मान लीजिए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, अब इसको किसका ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए? उस व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। और यहाँ पर एंटीबॉडी बी है और यहाँ पर क्या है? एंटीजन बी है। तो इससे होगा क्या कि जब ये ब्लड ग्रुप जिसका बी है उसका ब्लड किसमें आ जाएगा? ए में आ जाएगा। तो बी एंटीजन के अगेंस्ट में इसके पास क्या है? एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये एंटीबॉडी क्या होंगे? तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे और किसी से जुड़ जाएंगे? इस एंटीजन से जुड़ जाएंगे। तो जो प्रापक है यानी जो कि रिसीवर है और ये क्या है? डोनर है। तो रिसीवर के ब्लड में क्या बन जाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी ब्लड का क्या हो जाएगा? कॉगुलेशन हो जाएगा, ब्लड आपका जम जाएगा, जिसकी वजह से ये जो रिसीवर है इसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे होगी? फिर से देखते हैं। यानी जब बी का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में आएगा तो ए ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है उसमें एंटीबॉडी बी होती है, और जो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति होता है उसमें एंटीजन सॉरी उसमें एंटीजन बी होता है। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी आपस में जुड़ करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड नहीं दे सकते। लेकिन अब मान लीजिए ए है, ए को तो हम बी का नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास बी एंटीबॉडी है तो बी वाले से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? ओ का ब्लड दे सकते हैं क्योंकि ओ के पास क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसीलिए ओ के पास कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो वो चाहे ए के ब्लड में चला जाए तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, बी में चला जाए तो भी नहीं होगा, ए बी में चला जाए तो भी नहीं होगा, और ओ में चला जाए तो होगा ही नहीं। और दूसरी तरफ ए बी रिसीवर क्यों होता है? ए बी सबसे क्यों ले लेता है? वो भी देखते हैं। यानी बी ए को तो नहीं दे सकता लेकिन बी ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी के पास क्या है? दोनों ही एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो इसके में चाहे ए एंटीजन आ जाए चाहे बी एंटीजन आ जाए इसके शरीर में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास न तो ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है न तो बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है। इसीलिए किसी का भी ब्लड ले लेता है, ए का भी ले लेता है, बी का भी ले लेता है। ए से लेगा तो ए एंटीजन आएंगे, बी से लेगा तो बी एंटीजन, ओ से तो कोई भी एंटीजन नहीं आएगा, ठीक है, और ए बी से तो दोनों ही एंटीजन आ जाएंगे। लेकिन उन एंटीजन से फाइट करने के लिए इसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए क्या करता है? सबसे ब्लड ले लेता है। अगर हम इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी ना, अब देखते हैं ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं।
इसको डिसाइड करने के लिए क्या होते हैं, तीन एलील पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मल्टीपल एलील कहते हैं। तीन एलील कौन कौन से होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। ये क्या होता है, ए एंटीजन बनाता है, यानी ऐसी एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन बनाता है, ये दूसरे प्रकार के प्रोटीन बनाता है और ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता है। तो अगर ये जीन होगा तो व्यक्ति के शरीर में क्या बनेगा, एंटीजन ए बनेगा। और अब क्या होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। और एलील क्या होंगे, या पॉपुलेशन में तो भले ही तीन एलील होंगे लेकिन व्यक्ति के शरीर में हर एक लक्षण के लिए क्या होंगे, दो ही एलील होंगे। अब इन तीनों में से दो कोई भी हो सकता है, वो आई ए, आई ए बी हो सकता है या आई ए हो जाए और आई ओ हो जाए। उसी तरीके से आई बी भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है और या तो आई बी आई ओ हो जाए। या तीसरा है कि ए और बी आपस में मिल जाए, एक एंटीजन ए वाला हो एक बी वाला हो जाए। या ये भी हो सकता है कि आई ओ हो जाए और आई ओ हो जाए, इस तरीके से। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये यही जीन दोनों हो सकता है, यही दोनों जीन भी हो सकता है, यही दोनों जीन हो जाए, ठीक डबल हो जाए, या फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाए, या फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो जाए। तो इस तरीके से कुल छह प्रकार के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इन तीन एलील के द्वारा, एक दो तीन चार पांच और छह। जब आई ए और आई ए व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में, तो उस व्यक्ति की में कौन सा बनेगा, ब्लड क्या ब्लड में है तो क्या बनेगा, एंटीजन ए बनेगा। आई बी आई बी हो या आई बी आई ओ हो तो उस बच्चे में क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। और जब दोनों में ए भी है एलिन और एलिन बी भी है, तब क्या होगा, दोनों होगा उस व्यक्ति के, यानी वो जो बच्चा है जिसमें ये जीन पाया जा रहा है, उस बच्चे के आरबीसी में क्या होंगे, दोनों प्रकार के एंटीजन बनेंगे ए और बी। तो यहाँ पर कोई जीन नहीं है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि छह प्रकार के जीनोटाइप मिल करके क्या बना दिए, चार प्रकार का फीनोटाइप बना दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की वंशागति में कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं और कितने प्रकार के फीनोटाइप होते हैं। जो लक्षण दिखाई दे वो क्या है, फीनोटाइप। तो आदमी से देख करके हम बना देते हैं कि कौन सा एंटीजन है, तो ये हो गया लक्षण फीनोटाइप। उस फीनोटाइप को डिसाइड करने के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है, तो छह प्रकार के क्या है, जीनोटाइप। तो इन छह प्रकार के जीनोटाइप से क्या होता है, चार प्रकार का फीनोटाइप बनता है। दूसरा क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की वंशागति को डिसाइड करने के लिए पॉपुलेशन में कितने जीन होते हैं, तीन जीन होते हैं या तीन एलील होते हैं, लेकिन व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, केवल दो ही एलील होगा, जैसे आई ए हो सकता है या आई ए और आई ओ हो सकता है। जब ये रहेगा तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ बनेगा, ए बनेगा। अब ये देखिए, यहाँ तो मल्टीपल एलील शो भी हो रहा है, यहाँ पर प्रभाविता का नियम भी शो हो रहा है और यहाँ पर सर प्रभाविता का नियम भी फॉलो हो रहा है। तीन एलील डिसाइड कर रहे हैं तो इसीलिए ये क्या हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, यानी बहुगुण एलिलवाद हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, आई ए जीन भी है और आई ओ जीन भी है, लेकिन व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, ए बन रहा है। इसका मतलब ए जो है ओ पर क्या है, प्रभावी है। तो यहाँ हो गया पूर्ण प्रभाविता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता कैसे हो गया, क्योंकि यह भी अपना एंटीजन बनाया और इसने भी अपना एंटीजन बनाया, इसीलिए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। उसके अंदर ए एंटीजन भी पाया जाएगा, बी एंटीजन भी पाया जाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए रुधिर की वंशागति या रुधिर का निर्धारण किसका उदाहरण है, तो ये पूर्ण प्रभाविता का भी उदाहरण है, ये सह प्रभाविता का भी उदाहरण है, यह बहुगुण एलीलवाद का भी उदाहरण है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक आपको और क्वेश्चन आता है इससे कि माता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है और पिता का दे दिया जाता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, ये तो फिनोटाइप हो गया, इस फिनोटाइप के लिए दो जीनोटाइप है, इस फिनोटाइप के लिए भी दो जीनोटाइप है, लेकिन इनके और इनके लिए क्या है, एक एक जीनोटाइप है। तो इसीलिए फिनोटाइप के साथ साथ जीनोटाइप ही पता होना चाहिए।
जैसे बता रहे हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए दे दिया और पिता का ब्लड ग्रुप क्या दे दिया, बी दे दिया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पूछ रहा है तो माता का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो माता का जीनोटाइप जो है वो दो संभावना है, यहाँ पिता का ब्लड ग्रुप ए भी मांगे हैं। तो इस तरीके से हम चार खाने बनाएंगे, एक तरफ पिता का ब्लड ग्रुप लिखेंगे, एक तरफ माता का ब्लड ग्रुप लिखेंगे। माता का ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप ए है तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, आई ए की और आई ए की। पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो हो जाएगा आई ए और आई बी। अब इसके बीच में क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो आई ए और आई ए हो जाएगा। इसका इसके साथ कराएंगे तो आई ए हो जाएगा। इसका इसके साथ कराएंगे तो आई बी हो जाएगा। इसका इसके साथ कराएंगे तो आई बी भी हो जाएगा। यानी 50% बच्चे जो है वो ब्लड ग्रुप ए वाले बनेंगे और 50% बच्चे कैसे बनेंगे, ब्लड ग्रुप बी वाले बनेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए दिया है तो ए ब्लड ग्रुप के क्या होते हैं, दो जीनोटाइप होते हैं, एक तो जीनोटाइप हमने ये देख लिया और दूसरा जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ए बी है तो ए बी में क्या होगा, हमेशा ये भी जीनोटाइप होगा, एक हो जाएगा आई ए और आई ओ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आई ए और आई बी हो जाएगा। तो जब इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो आई ए आ जाएगा, आई ए आ जाएगा। इसका इसके साथ कराएंगे तो आई ए आई ओ आ जाएगा। इसके उसके साथ कराएंगे तो आई ए आ जाएगा, आई बी आ जाएगा। और इसका इसके साथ कराएंगे तो आई डी हो जाएगा और आई ओ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बी ब्लड ग्रुप वाले भी बन रहे हैं, 50% कैसे हैं ब्लड ग्रुप ए वाले, 25% कैसे हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाले और 25% कैसे हैं ब्लड ग्रुप बी वाले। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं या बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे होगा। तो जब तक डीएनए की खोज नहीं हुई थी तब तक क्या होता था, ब्लड ग्रुप के आधार पर ये संभावना जताई जा सकती थी। अगर कोई क्लेम करता था कि ये बच्चा मेरा है तो उस बच्चे का और पिता के बच्चे का ब्लड ग्रुप देखा जाता था कि क्या संभावना है कि नहीं है। लेकिन अब डीएनए टेस्ट आ गया है तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लड ग्रुप हम कैसे बताते हैं ए बी, और दूसरा कि उसका निर्धारण कैसे होगा, तीसरा कि कौन किसको दे सकता है, और चौथा कि माता पिता के आधार पर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माता और पिता के ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ब्लड ग्रुप भी बता सकते हैं, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप के साथ साथ आपको जीनोटाइप भी बताना है कि माता और पिता किस जीनोटाइप वाले होंगे, कि उनके बच्चे जो होंगे चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी। यानी एक दंपत्ति है उनके बच्चों में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, ए बी बी भी ए बी भी और ओ भी। यानी 25% ब्लड बच्चे ब्लड ग्रुप ए वाले बनेंगे, 25% बी वाले, 25% ए बी वाले और 25% ओ वाले। तो ऐसे माता पिता का जीनो टाइप क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट पढ़ा जाता है, उसको रिप्लाई किया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है पढ़ करके कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।